हाय गाइस, आज ना मेरा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। मैं ना कल से इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रही हूं, बट मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा है। कल सुबह ना मेरी सिस्टर का कॉल आया था, और उसने मुझे बताया कि मम्मी पापा जब भी ले जा रहे थे ना, तब उनका बहुत ख़राब वाला एक्सीडेंट हो गया है, और दोनों को सच में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। दोनों ना हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी को तो बहुत ही चोट लगी है, उनके सर में भी स्टिचेस आए हैं, और कल सुबह ना उनका ऑपरेशन भी है। ये बात सुन के तब से मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। कल से इस वीडियो को शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट यार बोल ही नहीं पा रही हूँ कुछ। आज दोबारा हिम्मत करके इस वीडियो को बनाने बैठी हूँ। वीडियोज़ को ना कंटिन्यूस डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पर, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब ना एल्गोरिथम पे चलता है, और अगर वीडियो कंटिन्यूस नहीं डालते हैं ना, तो YouTube रीच आपकी कम कर देता है, इम्प्रेशंस कम डालता है, और इम्प्रेशन कम छोड़ने से वीडियोस में जो व्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। मैं ऑलमोस्ट 1 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अपने YouTube चैनल पर, इसलिए मैं आज इस वीडियो को कंप्लीट करने बैठी हूँ। अगर आज आपको ना मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लगे, तो प्लीज़ याद समझ जाना। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और मेरे मम्मी पापा के लिए भी प्रे करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ ना 8 टॉप्स शेयर करने वाली हूँ मीशो से। सारे के सारे टॉप्स ना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो चलो साथ में देखते हैं कि सारे के सारे टॉप्स कैसे आए हैं। तो चलो फर्स्ट पार्सल देख लेते हैं। मैंने सारे के सारे पार्सल को ना ऊपर से खोल लिया है, देखते हैं इसमें कौन सा टॉप है। ओके, तो इसमें है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बेबी पिंक कलर का टॉप। मैं आपको सबसे पहले इसका प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस है 356 रुपीज़। इसमें ना आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, पिंक एंड पर्पल। मैंने इसको पिंक कलर में ही ऑर्डर किया है। इसको खोल कर देख लेते हैं। फैब्रिक मुझे इसका काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, एकदम सॉफ्ट लग रहा है। गर्मियों में आप इसे अच्छे से पहन पाएंगे, और टॉप बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। वाओ, इट इज़ अ रियली क्यूट क्रॉप टॉप, आई एम इन लव। इस टॉप का लुक ना पहनने के बाद तो सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस टॉप का फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। पहनने के बाद तो मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ पहना हुआ है, इट इज़ दैट मच कंफर्टेबल। इसको ना मैंने मीडियम साइज में ऑर्डर किया था, एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परफेक्टली ना ये टॉप मुझे फिट हो रहा है। इस टॉप में ना फ्रंट में ये जो बटन्स दिए हुए हैं ना, ये जस्ट डिटेलिंग है, शो के लिए दिए हुए हैं, इनको ना आप ओपन नहीं कर सकते हैं। ये है टॉप का फ्रंट पार्ट, मैं आपको ना एक बार बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये है टॉप का बैक साइड। नेक्स्ट पास है, देखते हैं इसमें कौन सा टॉप है। ओके, तो इसमें है ये कलरफुल टॉप। सबसे पहले ना मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ। इस टॉप का प्राइस है 429 रुपीज़। इसमें ना आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, कलरफुल एंड रेड। मैंने इसको जिस कलर में मंगाया था, उसी कलर में मुझे ये रिसीव हुआ। चलो इसे खोल कर देख लेते हैं। टॉप का फैब्रिक मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, बाकी पहन कर देखते हैं। टॉप ना पहनने में सच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस फैब्रिक में ना आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। इस टॉप में ना हल्का सा वेरिएशन आया है कलर में एंड प्रिंट में। मैं ना आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। इस टॉप का जो कलर है ना, वो हल्का सा चेंज आया है। अदरवाइज इस टॉप का जो स्टाइल है ना, वो एग्जैक्टली सेम आया है। स्टाइल मुझे इस टॉप का सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी क्यूट टॉप है ये। एंड आप देख सकते हैं कि ये टॉप मुझे कितना ज़्यादा परफेक्टली फिट हो रहा है, इट इज़ ट्रू टू साइज। ये है टॉप का फ्रंट पार्ट, मैं बैक साइड से भी आपको इस टॉप को दिखा देती हूँ। ये है टॉप का बैक वाला पार्ट। इस टॉप में ना इस तरह से ये रूशिंग दी हुई है, एंड रूशिंग की वजह से ये टॉप ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची है। नेक्स्ट पार्सल, इसमें है ये पर्पल कलर का टॉप। इसका प्राइस है 357 रुपीज़। इसमें ना आपको तीन कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लैक, व्हाइट एंड पर्पल। मैंने इसको पर्पल कलर में ही ऑर्डर किया है। इसको खोल कर देखते हैं कि फैब्रिक वगैरह कैसा आया है। वाओ, फैब्रिक सच में काफ़ी सॉफ्ट है, और टॉप एकदम सिंपल एंड प्लेन है। मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ। ये ना सिंपल सा फुल लेंथ का टॉप है, इसको आप कॉलेज भी पहन के जा सकते हैं, ऑफिस भी पहन के जा सकते हैं। इस टॉप का फैब्रिक सच में काफ़ी ज़्यादा मस्त आया है। मैं ना एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ। इस टॉप के फैब्रिक पर ना इस तरह से ये टेक्सचर दिया हुआ है, लाइंस दी हुई हैं। इस टॉप की नेक लाइन ना स्क्वायर है, और मैंने इसको ना मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी परफेक्टली मुझे फिट हो रहा है। ये है टॉप का फ्रंट वाला पार्ट, मैं ना एक बार बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ।
ये है टॉप का बैक साइड। मैंने ना अभी एक चीज़ नोटिस की, इस टॉप के ऊपर ना कुछ मार्क्स आए हैं। देखने में तो ये फाउंडेशन के मार्क्स लग रहे हैं, वैसे इस टॉप को देखकर लग तो नहीं रहा है कि ये पहले पहना हुआ है या यूज्ड टॉप है। टैग भी लगा हुआ है इस टॉप के ऊपर, बट हाँ मार्क्स तो आए हैं इस टॉप के ऊपर। नेक्स्ट पार्सल। ओके, तो इसमें है ये टाई डाई प्रिंट वाला टॉप। इसका प्राइस है 316 रुपीज़। इसमें ना आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, वाइट एंड ब्लू टाई डाई प्रिंट, वाइट एंड ब्लैक टाई डाई प्रिंट। मैंने इसको वाइट एंड ब्लू टाई डाई प्रिंट कलर में ही ऑर्डर किया था। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की, इसके ऊपर ना एल लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है इन्होंने ना जो रॉन्ग साइज़ भेज दिया है। वैसे मैंने इसे मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया था, बाकी तो पहन कर ही देखेंगे। पहले एक फैब्रिक देख लेते हैं कि टॉप का कैसा आया है। टॉप का फैब्रिक वैसे सॉफ्ट ही लग रहा है, देखने में ही मुझे ये लग रहा है कि टॉप मुझे लूज आएगा। चलो इसे ट्राई करके देख लेते हैं। वाओ, इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल टॉप। ये ना एक कॉर्सेट टॉप है। इस टॉप का साइज़ इन्होंने मुझे रॉन्ग भेज दिया है। मैंने मीडियम साइज़ मंगाया था, इन्होंने मुझे लार्ज भेज दिया, इसलिए टॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज है। अभी ना मैंने इसे अपने आर्म के नीचे ना अच्छे से दबाया हुआ है ताकि आपको ना लुक समझ आए इस टॉप का। अदरवाइज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज है। वैसे प्रिंट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, कलर भी काफ़ी एक्यूरेट आया है, जैसा दिखाया था बिल्कुल वैसा ही आया है। फैब्रिक भी बहुत ही कंफर्टेबल है, आप ना समझ में से कंफर्टेबली वियर कर पाएंगे, और ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। ये है टॉप का फ्रंट पार्ट, मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये है टॉप का बैक साइड। नेक्स्ट टॉप, इसमें है ये ग्रीन कलर का टॉप। इसका प्राइस है 504। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने इसको ग्रीन येलो कलर में ही ऑर्डर किया था। इसको खोल कर देखते हैं। ये ना निटेड काइंड ऑफ टॉप है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये। वाओ, देखने में तो सच में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। वाओ, इट इज अ रियली ब्यूटीफुल टॉप एंड आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड। इस टॉप का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट एंड यूनिक लगा। मैंने ना अभी एक चीज नोटिस की, इस टॉप का जो कलर है और जो फैब्रिक है वो एग्जैक्टली सेम आया है, बट इन्होंने ना मुझे टॉप का स्टाइल अलग भेज दिया है। मैंने ना एक केमी टॉप मंगाया था, बट इन्होंने मुझे ये हाई नेक स्लीवलेस टॉप भेज दिया है। बट ये टॉप यार सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, इसलिए मैं इसको रख लूँगी। इसको मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया था एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परफेक्टली मुझे फिट हो रहा है। ये है टॉप का फ्रंट वाला पार्ट और मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये है टॉप का बैक साइड। ये ना निटेड टॉप है इसलिए काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू है, स्पेशली ये वाला जो पोर्शन है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू है। नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो इतना ज़्यादा सी थ्रू नहीं है। टॉप का फैब्रिक ना क्लोजअप से ऐसा दिखता है। नेक्स्ट टॉप है ये। है लाइट पर्पल कलर का टॉप। ओके, तो इन्होंने ना कुछ गड़बड़ की है। मैंने इसे लाइट ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, इन्होंने लाइट पर्पल कलर मुझे सेंड कर दिया है। इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइट ब्लू एंड लाइट पर्पल। इस टॉप का प्राइस है 415 रुपीज़। वैसे ये टॉप नहीं है, ये एक बॉडी सूट है। इसको खोल कर देख लेते हैं, फैब्रिक वगैरह चेक कर लेते हैं। ओके, तो इस बॉडी का जो फैब्रिक है ना वो रिब्ड काइंड ऑफ मटेरियल का है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक मुझे लग रहा है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की, इन्होंने ना मुझे लार्ज साइज सेंड कर दिया है। हो सकता है ये मुझे बड़ा है, तो इसे पहन कर देख लेते हैं। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, इस बॉडी सूट में ना नीचे ये जो पार्ट है ना यहाँ पर कोई भी ओपन करने वाला पार्ट नहीं है, ये पूरा इस तरह से बंद है। तो पता नहीं इस टॉप को कैसे पहना जाएगा, इसमें कोई जिपर भी नहीं है इस बॉडी सूट में। तो पहन कर देखती हूँ, फिर बात करते हैं आगे। ये बॉडी सूट ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक तो उन्होंने ना मुझे दूसरे साइज़ में इसको भेज दिया है, मैंने इसको मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया था, इन्होंने मुझे लार्ज में भेज दिया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी सूट है ना हर जगह से बहुत ही ज़्यादा लूज है। स्पेशली ये जो डिज़ाइन है ना ये बर्स्ट वाले एरिया पर आनी चाहिए, बट आप देख सकते हैं कि ये मेरे स्टमक तक आ रही है, और जो इसकी नेक लाइन है वो कितनी ज़्यादा डीप आ रही है क्योंकि रॉन्ग साइज़ इन्होंने मुझे सेंड कर दिया है। अगर ये मीडियम साइज़ में होता तो आई गेस फिटिंग इसकी ठीक आती, बट इसका फैब्रिक यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका जो फैब्रिक है वो पतला सा रिब्ड काइंड ऑफ मटेरियल का फैब्रिक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू भी है और दिखने में भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, काफ़ी ज़्यादा चीप लग रहा है। तो मैं ना आपको इस बॉडी सूट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अब ना नेक्स्ट पार्सल देख लेते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा टॉप है। इसमें है ये मल्टी कलर का टॉप। इस टॉप का जो प्राइस है ना वो है 564 रुपीज़।
ये इस पूरे हॉल का ना सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टॉप है, तो चलो इसे खोल के देख लेते हैं। इस टॉप का जो फैब्रिक है ना वो निटेड काइंड ऑफ फैब्रिक है और साइज इसका ठीक लग रहा है। ये टॉप ना मुझे कोरियन वाइब्स दे रहा है, तो चलो इसे पहन के देखते हैं। आई रियली लाइक इट, काफी ज्यादा कंफर्टेबल टॉप है ये। इस टॉप का जो फैब्रिक है ना वो निटेड काइंड ऑफ फैब्रिक है, बट ये टॉप बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। आप देख सकते हैं इस टॉप का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सच में कितना ज्यादा प्यारा है। मैंने इस टॉप को ना मीडियम साइज में ऑर्डर किया था एंड मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है। ये है टॉप का फ्रंट वाला पार्ट, मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये है टॉप का बैक साइड, मैं ना आपको टॉप के फैब्रिक का क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। और ये ना क्रॉप टॉप नहीं है, ये फुल लेंथ का टॉप है। अब लास्ट पार्सल देख लेते हैं। इसमें है ये प्रिंटेड टॉप और इस टॉप के साथ ना एक फ्री स्क्रंची भी आई है। सच में काफी अच्छा लगा इसे देखकर। टॉप देख लेते हैं खोलकर। प्रिंट सच में इस टॉप का बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ओ ये ना इस तरह से बांधने वाला टॉप है। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इस टॉप का जो प्राइस है ना वो है 302 रुपीज। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन एंड प्रिंट ऑप्शन मिल जाएंगे। इस टॉप को मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। इस टॉप की ना नेकलाइन यार सच में बहुत ही ज्यादा डीप है, इसलिए मैंने इसे ब्लैक कलर के टॉप के ऊपर पहना है। इस टॉप का प्रिंट बहुत ही ज्यादा प्यारा है, आप देख सकते हैं जैसा मीशो पर प्रिंट दिया ना एग्जैक्टली वैसा ही आया है। इसमें ना आपको साइज का प्रॉब्लम नहीं आएगा टॉप में, क्योंकि इस टॉप को आपको बैक साइड से ना इस तरह से टाई करके पहनना है। इस टॉप का जो फैब्रिक है ना वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इसका जो फैब्रिक है वो सी थ्रू नहीं है बट काफी ज्यादा पतला है, क्योंकि ये क्रेप फैब्रिक से बना है। डबल क्रेप फैब्रिक दिया हुआ है बट ये काफी ज्यादा पतला है, क्योंकि आपको पता ही है क्रेप फैब्रिक काफी पतला होता है। और मुझे क्रेप फैब्रिक यार इतना ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे ना क्रेप फैब्रिक लो क्वालिटी का लगता है। इसलिए मुझे ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ये टॉप इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बट लुक वाइज ये टॉप काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपको क्रेप फैब्रिक पसंद है और आप इस तरह के टॉप में कंफर्टेबल है तो आप इस टॉप को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लुक तो यार इस टॉप का सच में काफी ज्यादा प्यारा है। सो गाइज ये थे सारे के सारे टॉप्स। आई होप आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। आपको ना इनमें से कौन सा टॉप सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।